सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे चार जुआरियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्राम अड्ड की मड़ैया के पास घने जंगल के बीच में लोग बैठकर खेल रहे थे जुआ। जुआरियों के पास से लगभग 10 लाख रुपए का माल पुलिस ने किया बरामद। सूचना के आधार पर इटावा की बड़पुरा पुलिस ने चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से दो तांस की गड्डी, 75,150 रुपए, एक बोलेरो कार, 14 मोटरसाइकिल, चार मोबाइल, एक गमछा जुआ खेलने में प्रयुक्त एवं चार्जिंग LED बल्ब किए गए बरामद। थाना अंतर्गत जो है जंगलों में, गहरे जंगलों में जो है कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि तमाम जनपदों के लोग जो इटावा के आसपास के जनपद हैं वहाँ से लोग गाड़ियों से आते हैं और बार बार स्थान जो है बदल देते हैं जंगलों में ताकि पुलिस पकड़ ना पाए। और अभी सूचना मिल रही थी, एक टिप ऑफ मिल रहा था बार बार और हम लोगों ने टिप ऑफ के आधार पर लोगों को लगा रखा था। SP City CO जसवंत नगर और उनके अंडर में करने वाली सारी टीमें इसमें लगी हुई थी। हमारी कुछ अभिसूचना जो हम जिस आधार मिला था उसमें भी सादे वस्त्रों में कुछ टीमें लगा रखी थी, जिसके आधार पर कल रात में, देर रात में रेड दिया गया, जो कि जुआ खेल रहे थे लोग। करीब 20 से 25 लोगों के बारे में बताया गया कि लोग जुआ खेल रहे थे। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि 14 गाड़ियां, मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं, एक बोलेरो बरामद की गई है, 75,000 रुपये बरामद किए गए हैं, साथ ही साथ ताश की गड्डियां बरामद की गई हैं, LED बल्ब बरामद किया गया है, मोमबत्ती बरामद की गई है, लाइट जला के खेलते थे लोग। और इसके साथ साथ जो है पैसे जो बरामद किए गए हैं उनका जो है एक फर्द बनाई गई है, साथ ही साथ अभियोग दर्ज किया गया है और अभियोग दर्ज करके इनको जेल भेजने की कार्रवाई, चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, दो बकेवर के रहने वाले हैं और दो बड़पुरा के, इसमें गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। बाकी इसमें अभी भी 20 से 25 लोग और भी वांछित हैं जिनको जल्दी गिरफ्तार किया गया। चार मोबाइल बरामद किए गए हैं तथा इसमें जो है ताश की गड्डियों के साथ साथ और मोबाइल के आधार पर तथा गाड़ियों के जो नंबर प्लेट लगे रहते हैं उनके आधार पर लोगों का पता भी चल गया है कौन लोग इसमें शामिल हैं, तदनुसार उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बोलेरो एक फिरोजाबाद की जो बरामद की गई है वह भी सीज की जा रही है 207 MB एक्ट के तहत। तो 15 गाड़ियां इस प्रकार से लगभग 10 से 12 लाख की बरामदगी पुलिस इटावा पुलिस द्वारा बड़पुरा थाना अंतर्गत की गई है। सर, स्पेशल टीम द्वारा इस तरह जुआ पकड़ा गया है, भारी मात्रा में गाड़ी पकड़ी है, लेकिन जिस तरीके से लोग गिरफ्तार हुए उसमें अभी नहीं हुए, तो गाड़ियों के आधार पर क्या चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी? निश्चयता मैंने अभी बताया भी कि गाड़ियां जो जिन लोगों की बरामद की गई हैं, 14 मोटरसाइकिलें हैं, एक बोलेरो गाड़ी है, तो 15 गाड़ियां हैं। और इसके आधार पर निश्चयता मैं कह सकता हूं कि जो लोग इसमें शामिल थे सबके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो थाना स्तर पर कहीं कहीं से इसमें जो है एक तरीके से गलती की गई है अभिसूचना संकलन में, उनके खिलाफ भी जो भी इसमें अगर सम्मिलित कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे, निश्चित तौर से उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो चार लोग गिरफ्तार किए गए, इनका पूरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है? ये वैसे बताने को भी प्रथम दिशा जो उन्होंने पूछताछ से बताया है कि कुछ लोगों के जो है दुकानें भी हैं, कुछ लोग जो है खेती बाड़ी भी करते हैं, लेकिन कुल मिला के इनका ये जुए का जो कारोबार है या जुए का जो धंधा है, ये लोग निश्चित तौर से बेट लगाते हैं और शराब के नशे में या तमाम तरह की जो कुरीतियाँ होती हैं, गलत जो समाज में करते हैं लोग, निश्चित तौर से इनके बारे में बताया गया है और इसीलिए इनको जो है घेराबंदी करके और टिप ऑफ के आधार पर इनको गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की गई है। अभी तक पुलिस की जांच में क्या कुछ निकल कर आ रहा है? जो पकड़े गए हैं, जो फरार है, ये लोग क्या इटावा के ही के आसपास के जिलों के भी हैं? निश्चित तौर से हमारे इटावा जनपद के आसपास के जिलों के भी इसमें निवासी बताए जाते हैं और कई गाड़ियां भी आपके गैर जनपदों की, मतलब हमारे इटावा जनपद से इतर जनपद की रजिस्टर्ड हैं, जिसके आधार पर पता चला है कि औरैया के भी लोग मुलजिम हैं इसमें और आपके मैनपुरी के भी मुलजिम हैं इसमें और आपके भिंड के भी एक दो मुलजिम बताए जाते हैं, साथ ही साथ इसमें फिरोजाबाद के भी हैं और इटावा के भी काफ़ी हैं। तो निश्चित तौर से इसमें ये जो अपने आसपास के जनपद है इटावा के, वहाँ के लोग शामिल हैं और तदनुसार कार्रवाई की जा रही है। जुआ खिलाने वाला मुख्य आरोपी कौन है? अभी इसके बारे में कहना जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन निश्चित तौर से पता किया जा रहा है कि इसमें जुआ का जो ऑर्गेनाइजर है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक सर।